हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल वर्क 29। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेजरिंग टेप के बारे में, मेजरिंग टेप को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं मेजरिंग टेप को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 1 इंच में 25.4 mm होता है। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 इंच में अगर हम सूत की बात करें तो 8 सूत होता है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और 1 यार्ड में 3 फीट होता है, और 1 मीटर में दोस्तों 1000 mm होता है, 1000 mm होता है। अगर हम फीट की बात करें तो 1 फीट में 304.8 mm होता है। यहाँ पे mm का मतलब दोस्तों मिलीमीटर होता है, और cm का मतलब हो गया सेंटीमीटर। तो अब चलिए हम आपको टेप में भी बताते हैं mm की लाइन कौन सी होती है, इंच की लाइन कौन सी होती है, और सूत की लाइन कौन सी रहती है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इंच के बारे में, 1 इंच में कितने mm होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर टेप में दिखाऊंगा कि वो लाइन कौन सी है mm की, सूत की और इंच की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके दिया हुआ है। ये जो 1 लिखा है इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, ये 2 की लाइन पे 2 सेंटीमीटर हो गए, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये जो नंबर के पास बड़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है वो सेंटीमीटर की लाइन है। अब आप देख सकते हैं 1 के पीछे यानी 1 और 0 के बीच में छोटी छोटी लाइन बनी हुई है, उसको mm बोलते हैं, मिलीमीटर। तो 1 और 0 के बीच में 10 लाइनें होती हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। और ये आपका हो गया 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर में आप देखेंगे तो ये आपको छोटी छोटी लाइनें जो हैं ये आपको 20 मिलेंगी, 20 लाइनें मिलेंगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर में 20 mm होते हैं। और ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर में दोस्तों आप अगर आप समझ गए होंगे तो 10, 20 और 30, 30 mm हो गए। और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि 10, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 4 सेंटीमीटर में 40 mm हो गए। ये हो गया दोस्तों mm। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब दोस्तों 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में 100 mm हो जाएंगे। अगर हम आप इंच की बात करें तो यहाँ ऊपर साइड में आप देख सकते हैं 0 है, और 0 से लेके यहाँ जो 1 लिखा हुआ है बड़ा वाला लाइन है, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 1 इंच हो गया, और ये आप देख सकते हैं 2 इंच हो गया, और ये 3 इंच हो गया, ये 4 इंच हो गया, ऐसे ये ऊपर इंच की लाइनें हैं। और ये आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे लाइनें हैं। तो आपको मैं बताऊँगा सूत के बारे में, 1 इंच में कितने सूत होते हैं। 1 इंच में मैंने बताया था आपको 8 सूत होते हैं, तो वो सूत की लाइनें ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गया 1 इंच में 8 सूत, तो ये हो गई सूत की लाइन। और जैसे देखते हैं दोस्तों 1/8 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 1 इंच में 8 लाइन। कोई कोई आप देखते होंगे, आप मैट्रिक पढ़ते होंगे, ड्राइंग में दिया रहता है 1/8 साइज, तो मतलब 1 इंच का 8वां भाग, इसीलिए इसको 1/8, इसमें 8 लाइन अगर आप गिनेंगे तो 8 लाइन, 1 सूत होता है, तो 1 इंच का 8वां भाग। अगर आप 1/4 देखेंगे, मतलब 1/4, 1 इंच में 4 भाग करेंगे तो 1/4 लिखा जाता है उसको, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/4, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया आपका 1/4। अगर आप 3/8 देखते हैं तो 3/8 का मतलब दोस्तों 1 इंच में 8 लाइन, और उसमें से तीसरी वाली लाइन यानी तीसरा साइज, इसको 3/8 बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, इसलिए ये 8वें लाइन का तीसरा लाइन है, इसलिए इसे 3/8 बोलेंगे। और ये हाफ मतलब हाफ इंच हो गया, 1/2, यानी कि ये हो गया आपका 1 इंच, इसके बीचों बीच एक सेंटर में लाइन है, ये आपका हो गया हाफ इंच। और ये 5/8, इसे आप जैसा कि मैंने आपको बताया 1 इंच में 8 सूत होते हैं, और उसमें से ये 5/8 दिया है, मतलब 8 लाइन में से 5वां लाइन है ये 5/8। और ये आपको उसी तरह से 7/8 हो गया, यानी 8वीं लाइन में से 7वां लाइन 7/8, यानी कि 7 सूत हो गया है। और ये 3/4 आप दिया है,
थ्री फोर आप देख सकते हैं, थ्री फोर मतलब एक इंच में चार लाइन है, उसमें से ये तीसरा लाइन है थ्री फोर, इसको पौना इंच भी बोल सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आप टेप के बारे में सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।